हमले के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण देने जा रहे पूर्व पुलिस आईजी अब्दुल रहमान को रविवार को पुलिस ने खेड़ा में रोक लिया, जिसके बाद उनको वापस दिल्ली भेज दिया। आदेश मिला है? अच्छा, इससे पहले तो नहीं सर, किसी को रोका गया? अच्छा, अभी तक एक भी एसपीकर्स को नहीं रोका गया, किसी को नहीं सर। हाँ तो खैर में तो नहीं, हम लोग खैर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। खैर ये, और यहाँ से अलीगढ़ कितना दूर है? आपको क्यों डिटेन किया जा रहा है? आपको मतलब किसी को नहीं रोका गया तो आपको क्यों डिटेन कर रहे हैं? पता नहीं क्या खतरा है हमसे, हम तो 22 साल नौकरी किया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया है। नहीं, ऑलरेडी आप 22 साल आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, फिर आपको मतलब डिटेन करना और आपको ऐसे मतलब कि पुलिस स्टेशन में ले जाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए क्या आदेश है ऊपर से डीएमएसपी का, तो मैं देखता हूँ। दरअसल पूर्व आईपीएस अधिकारी आईजी अब्दुल रहमान को छात्र संगठन ने सीएए एनआरसी और एनपीआर पर बोलने के लिए बुलाया था, इसलिए वो वहां आ रहे थे। जब वो खेड़ा पहुंचे तो पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां से उन्हें दिल्ली वापस भेज दिया गया। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान ने इस्तीफा दे दिया था। न्यूज डेस्क।